बालों में तेल लगाने से पहले उसमें ये चीज मिला लो, बाल ऐसे मोटे लंबे घने बनेंगे कि। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा खास उपाय लेकर आए हैं जिसमें बालों में तेल लगाने से पहले उसमें आपको एक चीज मिलानी है और फिर देखिए आपके बाल कैसे मोटे घने और तेजी से बढ़ेंगे। दोस्तों, बालों में तेल की मालिश एक ऐसी चीज है जिससे हमारे बालों को असली न्यूट्रिशन मिलता है। हमारे बालों की लंबाई बढ़ती है और बाल मोटे और घने बनते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ तो बालों में तेल लगाते ही नहीं है, और जो लोग लगाते हैं वो कई बार मार्केट से ऐसा तेल ले आते हैं जिसका शुरू में तो हमें बेहद फायदे मिलते हैं लेकिन थोड़े समय बाद हमारे बालों को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। बाल कभी झड़ते हैं या बालों की लंबाई बढ़ना रुक जाती है और बाल रुखे और बेजान दिखते हैं। लेकिन ये जो उपाय है ये दोस्तों आपके बालों को पूरी तरह से न्यूट्रिशन देगा और आपके बालों को मोटा और घना बनाएगा। तो चलिए ये देखते हैं आपको ये तेल कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए हमें दोस्तों यहाँ पर उस तेल का प्रयोग करना है जो हम अपने घर पर इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये जो है ये है दोस्तों सरसों का तेल। हमने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है जो ज्यादातर हर घर में इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आपके घर में कोई और तेल इस्तेमाल होता है बालों पर लगाने के लिए तो आप वो ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो केमिकल वाला ना हो। हमने यहाँ पर एक कटोरी में सरसों का तेल लिया है और इसी के साथ में हम यहाँ पर इस्तेमाल में लेंगे मेथी दाना को। दोस्तों, जिन लोगों को मोटे और मजबूत बाल पसंद है उन्हें इस मेथी दाने का प्रयोग जरूर करना है, क्योंकि मेथी दाना हमारे बालों को मजबूत और मोटा तो बनाता है, इसी के साथ साथ घर से बाहर निकलने पर जब धूल मिट्टी और धूप की किरणों से जो हमारे बालों का रंग फीका पड़ता है यानी कि हमारे हेयर ग्रे होना शुरू होते हैं उसे ठीक करने के लिए भी मेथी दाना बहुत फायदेमंद है। इससे हमारे बाल काले दिखते हैं। आपको क्या करना है कि मेथी दाना लेना है और अगर इसमें हल्की सी भी नमी है, ठंड का मौसम है तो दोस्तों हो सकता है इसमें नमी हो सकती है, तो इसे हम हल्का सा भून लेंगे। अगर नमी नहीं है तो हम इसे ऐसे ही ग्राइंड करेंगे और इसका पाउडर तैयार करेंगे। और इसी के साथ में तीसरी और आखिरी चीज आपको यहाँ पर लेनी है वो है ये करी पत्ता, जिसे हम हिंदी में मीठी नीम के नाम से जानते हैं। करी पत्ता में दोस्तों प्रोटीन, बीटा कैरोटीन और भरपूर मात्रा में अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो हमारा हेयर लॉस रोकने के लिए, हमारे हेयर फोलिकल्स को मोटा बनाने के लिए यानी कि पतले बालों को घना करने के लिए और हेयर ग्रोथ बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद है। ये करी पत्ता दोस्तों मैंने ताजा लिया है। आप दोस्तों करी पत्ता किसी भी पंसारी की दुकान से ले सकते हैं, करियाना स्टोर से आपको मिल जाएगा, और हमें तकरीबन 8 से 10 पत्ते लेने हैं। और इसे बनाना कैसे है, पहले दोस्तों हम यहाँ पर मेथी पाउडर लेंगे और इसका 1 चम्मच हम सरसों के तेल में डाल देंगे। आप इसका 1 चम्मच मिलाइए और इसे मिक्स कर लीजिए। इसे तैयार करने के दोस्तों 2 तरीके हैं। अगर आपके घर में धूप निकलती है तो आप कम से कम 2 से 3 घंटे तक इसे अच्छे से मिक्स करके धूप में छोड़ दीजिए, जिससे यह तेल हल्का हल्का गर्म होगा और मेथी दाने की सारी प्रॉपर्टीज इस तेल में आ जाएगी। अगर धूप नहीं आ रही तो आप क्या कर सकते हैं कि इसे डबल बॉइलिंग प्रोसेस में, आपको जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि एक पैन में पानी लीजिए और उसमें इस तेल की कटोरी को रखिए और इस पानी को धीमी आंच पर गर्म कीजिए। आपको इस पानी में इसे 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर गर्म करना है और इस मेथी दाने की सारी प्रॉपर्टीज इस तेल में आ जाएंगी। इसके बाद दोस्तों आपको एक कपड़ा लेना है। आप कोई सा भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं जिससे हम इस तेल को छानेंगे। आप एक बाउल के ऊपर इसे रख लीजिए और उसके बाद जैसे मैं ये तेल निकाल रहा हूँ आपको भी इसे छान कर निकाल लेना है। आप चाहे तो छन्नी की मदद भी ले सकते हैं, लेकिन कपड़े से ये तेल दोस्तों अच्छे से निकलेगा और मेथी दाना अलग हो जाएगा। इस तेल को आपको बालों पर कैसे लगाना है आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको कई तरह के तेल लगाने के बाद भी अपने बालों में फायदा नहीं मिला तो आप एक बार जरा इस तेल को लगा के देखिए। इसे लगाने से पहले आपको क्या करना है, हमने जो करी पत्ता लिया है उसे छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। 8 से 10 पत्ते इसके छोटे छोटे तोड़कर इस तेल में मिलाएंगे और अच्छे से मिक्स करके रात भर के लिए छोड़ देंगे और अगले दिन से इस तेल को लगाएंगे। इस तेल को लगाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले अगर आपके बालों में कोई हेयर स्प्रे हो रखा है या बालों में पहले से तेल लगा है उसे शैम्पू करके बालों से उतार लीजिए और उसके बाद इस तेल को अपने बालों में लगाइए। अगर दोस्तों आप अपने बालों की लंबाई तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो इस तेल की मसाज अपने बालों की जड़ों में अच्छे से कीजिए, क्योंकि जड़ों पर लगने से ये तेल आपके बालों को पोषण देगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आपके बालों को मोटा बनाएगा। जिन लोगों के बाल पतले हैं, टूटते बहुत हैं, इस तेल से दोस्तों वो पूरी तरह से ठीक होगा। इस तेल की मालिश अपने बालों में 5 से 10 मिनट तक कीजिए और 2 घंटे तक इसे अपने बालों पर लगा के रखें और उसके बाद किसी भी हर्बल शैम्पू से इसे अपने बालों से उतार लीजिए। हफ्ते में दोस्तों आप कम से कम इस तेल को अपने बालों पर 2 बार जरूर लगाएं और 2 से 3 हफ्ते तक के इस्तेमाल से आप दोस्तों देखेंगे कि आपके बाल पहले से मोटे होंगे, बाल घने दिखेंगे और बालों का झड़ना बंद हो जाएगा और रोजाना आप अपने बालों की लंबाई को बढ़ता हुआ देख पाएंगे। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।